ईवीएम से डकैती की जा रही है, ईवीएम से बेईमानी की जा रही है, ईवीएम से जनता के वोटों की चोरी की जा रही है। क्या सचमुच हमारे वोट से चुने गए हैं? और एक जनता के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर हमें यह जानने का हक है कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं। तो अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें धांधली नहीं हो सकती है क्या? तो जो आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव, बैलेट पेपर से चुनाव होगा 5 बार हम गिन लेंगे, 50 बार हम गिन लेंगे, लेकिन ईवीएम में कैसे गिनेंगे? 7 सेकंड बाद तो डिस्प्ले हो जाता है, एक बार ही उसको काउंट किया जा सकता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है चिप। कैसे करेंगे? बैलेट पेपर को 20 बार हम गिन लेंगे, धांधली का डाउट है। इसमें क्या करेंगे आप ईवीएम में? तो ईवीएम बेईमान मशीन है, उसको बेईमानी करने के लिए तैयार किया गया। हमारी रणनीति है कि हम विपक्ष का भी घेराव करेंगे, विपक्षी गठबंधन का, ईवीएम पर चुप्पी क्यों? राजनीतिक दलों से सवाल पूछा जाएगा और दिल्ली को घेरने की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन में ताला लगाने की तैयारी है। ईवीएम एक बेईमान मशीन है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आप अपने वोट की कीमत समझिए, हम समझ रहे हैं अपने वोट की कीमत। ईवीएम बेईमान मशीन है, ईवीएम आपके वोट की डकैती कर रही है। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। 2024 लोकसभा चुनाव बेहद ही नज़दीक हैं और उस हिसाब से आज जो है उदित राज जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके ज़रिए से ईवीएम के बारे में जिस तरीके से बताया कि हैक होता है, लाइव हैकिंग दिखाई गई हमें, और इसी चीज़ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ओम सुधा जी। सर क्या कहेंगे, 3 से 4 महीने ही रह गए हैं चुनाव में, तो इतनी देर क्यों लगा दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में और इस चीज़ के लिए? नहीं, ये कोई आज हम लोगों ने पहली बार नहीं किया है। हमारा संगठन परिसंघ लगातार 4 साल से, तो मैं ईवीएम के खिलाफ मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कंटिन्यूटी में 2-2.5 महीने के अंदर ये हम लोगों ने 5वीं मीटिंग की है। असल में यह अब जनता का आंदोलन बनता जा रहा है, ईवीएम का सवाल अब जनता का सवाल बनता जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ इतने लोग, एक बार कैमरा आप घुमा कर दिखा दें, ये देखिए, ये मीटिंग समाप्त हो गई और सैकड़ों लोग यहाँ जो पार्क में खड़े हैं, ये कोई जनता नहीं है, ये नेता हैं, जनता के नेता, किसी के साथ सैकड़ों, किसी के साथ हजारों, तो किसी के साथ लाखों लोग हैं। ईवीएम का सवाल अब तक सिर्फ सामाजिक संगठन के लोग उठाते थे, अब यह सवाल राजनीतिक दलों के लोग उठा रहे हैं और राजनीतिक दल ने, इंडिया गठबंधन ने उठा, और उसके बाद अब देखिए पूरे देश में यह सवाल अब जनता का सवाल बनता जा रहा है। जनता ईवीएम के मुद्दे पर लड़ रही है, जनता ईवीएम के मुद्दे को उठा रही है। पूरे देश में छोटे बड़े संगठन लगातार ईवीएम के सवाल पर बात कर रहे हैं, सड़क पर उतरने की योजना बना रहे हैं और राजनीतिक दलों से ईवीएम के को, राजनीतिक दलों को ईवीएम की इस लड़ाई से कैसे जोड़ा जाए उसकी तैयारी की जा रही है। आज हम लोगों ने जब यहाँ नॉर्थ एवेन्यू में दिल्ली में बैठक की है ईवीएम के मुद्दे पर, तो हम लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी बनी है जो कि विपक्ष के नेताओं का घेराव करे कि ईवीएम पर आपकी चुप्पी क्यों है। हमारा सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं है, न केवल विपक्ष से, हमारा सवाल तमाम राजनीतिक दलों से, सामाजिक संगठनों से है। हम एक सामाजिक संगठन के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर ईवीएम के सवाल पर क्या कर सकते हैं, ईवीएम के सवाल को जनता का सवाल कैसे बना सकते हैं, इस पर हमारी तैयारी है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यह मीटिंग की है और ईवीएम की लड़ाई को जनता तक फैलाई जाएगी, अधिक से अधिक विस्तार किया जाएगा। ये लाइव हैकिंग जो है आपने भी दिखाई, तमाम और जगह भी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे उन्होंने भी जंतर मंतर पे लाइव हैकिंग दिखाई थी, तो इससे मतलब जनता में कुछ हलचल देखने को मिल रही है कि जनता खुद सवाल कर रही हो कि ईवीएम से ये सब चीज़ें हो रही हैं? बिल्कुल, ईवीएम तो हमेशा क्वेश्चन मार्क है। ईवीएम पे जो लोग कहते हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भाई ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता कैसे कह रहे हो? जब अभी चांद पर रोवर गया था तो वैज्ञानिकों ने कहा रोवर खराब हो गया, हम रिपेयर करें, तो चांद पे जो है रोवर है और धरती पर से जो है रोवर को रिपेयर किया जा सकता है और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, यह एक बचकानी बात है। हम इस बात को नहीं मानते, हमारा मानना है कि ईवीएम से डकैती की जा रही है, ईवीएम से बेईमानी की जा रही है, ईवीएम से जनता के वोटों की चोरी की जा रही है और हम इस चोरी के खिलाफ हैं। ईवीएम के खिलाफ इस लड़ाई को और मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में
बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली को घेरने का काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन में ताला लगाने का काम किया जाएगा और पूरे देश से लोगों को बुलाकर ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। पांच राज्यों के चुनाव के बाद से ईवीएम को लेकर काफ़ी आंदोलन देखने को मिले, सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील आ गए थे ये आंदोलन के उसमें जरिए से, तो मतलब क्या लग रहा है इससे? लेकिन सरकार में कोई हलचल देखने को नहीं मिली कि भाजपा सरकार को थोड़ा सा भी शिकंजा हो? ईवीएम का सवाल सिर्फ वकीलों का सवाल नहीं है, ईवीएम का सवाल एक जो मजदूर वोट देता है उसका भी सवाल है, एक विद्यार्थी जो 18 साल 21 साल का हुआ वो वोट दे रहा है, ईवीएम का सवाल उसका सवाल भी है, जो दिल्ली से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है उसका भी सवाल है, जो ठेले पर सब्जी बेच रहा है उसका भी सवाल है, जो IAS और IPS है उसका भी सवाल है। ईवीएम का सवाल देश के हर आम जनता का जुड़ा हुआ सवाल है, ईवीएम का सवाल इस देश में तमाम लोगों ने लड़कर जो अपनी कुर्बानियां दी और इस देश को आज़ाद कराया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लागू कराया वो बाबा साहब के संविधान पर भी सवाल है अगर हम ईवीएम को हल नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें वोट देने का ही तो ताकत दिया, तो उस ताकत पर भी सवाल है कि पूरा संविधान को ही घेरे में क्वेश्चन मार्क में ले आया गया है कि क्या इस संविधान को चलाने वाले लोग बनाने वाले लोग जो हैं चुने हुए क्या सचमुच हमारे वोट से चुने गए हैं, और एक जनता के तौर पर एक आम नागरिक के तौर पर हमें यह जानने का हक है कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं। मतलब अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो उसमें धांधली नहीं हो सकती है क्या, तो जो आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा पांच बार हम गिन लेंगे, 50 बार हम गिन लेंगे, लेकिन ईवीएम में कैसे गिनेंगे? 7 सेकंड बाद तो डिस्प्ले नष्ट हो जाता है और टेक्निकल लोग बता रहे हैं कि एक बार ही उसको काउंट किया जा सकता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है चिप, कैसे करेंगे? बैलेट पेपर को 20 बार हम गिन लेंगे, धांधली का डाउट है, इसमें क्या करेंगे आप ईवीएम में? तो ईवीएम बेईमान मशीन है, उसको बेईमानी करने के लिए तैयार किया गया है। तो ईवीएम को लेकर आप कह रहे हैं बहुत पहले से ही इसके लिए आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन अब 3 से 4 महीने बाकी रह गए हैं, तो क्या बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, मतलब सरकार मानेगी? अगर जनता का आंदोलन तेज होता है तो जनता ने अपने आंदोलन से बड़ी बड़ी क्रांतियां किए हैं, बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं, जन आंदोलन का रूप जिस तरह ईवीएम के खिलाफ हो रहा है उससे लगता है कि हम आने वाले समय में ईवीएम को हटाने में सफल हो सकते हैं। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आए कि रणनीति क्या रहने वाली है आप? हमारी रणनीति है कि हम विपक्ष का भी घेराव करेंगे, विपक्षी गठबंधन का, ईवीएम पर चुप्पी क्यों, राजनीतिक दलों से सवाल पूछा जाएगा और दिल्ली को घेरने की तैयारी है, इलेक्शन कमीशन में ताला लगाने की तैयारी है। तो एक आखिरी सवाल की जो चुनाव नज़दीक है तो जो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि ईवीएम एक बेईमान मशीन है, आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, आप अपने वोट की कीमत समझिए, हम समझ रहे हैं अपने वोट की कीमत, ईवीएम बेईमान मशीन है, ईवीएम आपके वोट की डकैती कर रही है, इसलिए ईवीएम के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से इन्होंने बताया कि ईवीएम बेईमान मशीन है और आपको अपने जो वोट है वो सोच समझकर ही डालना चाहिए, लेकिन अगर सोच समझ के भी डालते हैं तो ईवीएम जो हैक कर लिया जाता है कि हम वोट तो किसी और पार्टी को दे रहे हैं लेकिन जा कहीं और रहा है, और साथ में रणनीति भी ये बता रहे हैं कि हम घेराव करेंगे, विपक्ष का भी करेंगे और सभी का, इलेक्शन कमीशन तक का घेराव करेंगे और यही पूछेंगे सरकार से कि वो ईवीएम को लेकर चुप क्यों हैं। तो यही सवाल है कि सरकार चुप क्यों है, क्योंकि लगातार आंदोलन उठाए जा रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील जंतर मंतर पहुंच के ये चीज़ें देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।